जब दिल से धुआं उठा, बरसात का मौसम था। 90s के दशक में अपनी जबरदस्त फिल्मों से और अपने रोमांटिक अंदाज से सभी का दिल जीतने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन और एक्टर तब्बू की जोड़ी एक बार फिर से सिनेमाघर में वापसी करते ही सभी का दिल जीतने वाली जी है। इनकी एक और दमदार फिल्म आने वाली जिसका की टाइटल है औरों में कहां दम था। और इसके पहले ये दोनों फिल्म द सेम टू और भोला में अपनी एक्टिंग से जलवा दिखा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत है, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इनकी फिल्म औरों में कहां दम था के बारे में, जो कि काफी जल्दी सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। तो अगर आप भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि फिल्म औरों में कहां दम था को डायरेक्टर नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनाया गया, जो कि बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दे चुके हैं। अगर बात करें फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में तो फिल्म के लीड रोल में हमें बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन के साथ साथ एक्टर साई मांजरेकर, तब्बू और जिमी शेरगिल भी दिखाई देंगे। अगर बात करें फिल्म के टीजर के बारे में तो फिल्म का लगभग 38 सेकंड का लगभग एक दमदार टीजर आउट हो गया था, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। फाइनली ट्रेलर को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी। जी हां, बताया जा रहा है कि फिल्म औरों में कहां दम था के ट्रेलर के हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी महीने हमें इस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फिल्म को अगले महीने रिलीज किया जाना है। जी हां, फिल्म को 5 जुलाई 2024 के दिन इंडिया के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया जाएगा, जिसके चलते बताया जा रहा है कि फिल्म के ट्रेलर को इसी महीने 15 तारीख के दिन आउट किया जा सकता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि फिल्म के रिलीज डेट में लगभग 1 महीने का समय बाकी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म का हाइप सोशल मीडिया पर उतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। जी हां, फिल्म को बुक माई शो पे लगभग 2600 इंटरेस्ट ही मिल पाए, जो कि फिल्म के बजट के हिसाब से काफी कम है, क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो आप सभी इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।